नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर ऑक्सिंग ग्रुप में आप सभी ई पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। मैं कई दिनों से आप सभी लोगों से बात करना चाह रहा था, लेकिन तबीयत अस्वस्थ होने के कारण आप सभी लोगों से बात नहीं हो पाई। आज मैं आपको कुछ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, और इसके लिए जो अपडेट्स है, इन्फॉर्मेशन है, इसके पार्ट वाइज नोटिफिकेशन भी आएंगे, पार्ट वाइज वीडियो भी आएंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कुछ क्लियरिटी देने जा रहा हूं कि कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन हम करने जा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीजें ये है कि पुराने डेटाबेस में कई सारे माइनस प्लस हुए, जिसके वजह से पुराने डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम्स आई और हम लोगों ने नए मॉडल्स को डेवलप किया है, नए वेबसाइट को पूरी तरह से फ्रेश डेवलपमेंट कर दिया है, जहां पे पुराने से आप माइग्रेट होकर नए सिस्टम पे आ सकते हैं। सबसे पहली चीजें तो ये जानने की जरूरत है कि कंपनी न कहीं गई है, न कंपनी कहीं जाने वाली है। अभी लगभग एक महीने पहले ही मैं आप सभी लोगों के बीच से सेमिनार करके आया हूं, लगभग हर स्टेट में मैं घुमा हूं, आप सभी लोगों से मिला हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी ने पहले से ही कहा है कि कंपनी में आने और जाने के दोनों रास्ते कंपनी ने तय किए हुए हैं। कंपनी में आने के भी रास्ते हैं, आने की भी पॉलिसी है और जाने की भी पॉलिसी है, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, या आप अपने टीम लीडर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, आप अपने टीम मेंबर्स को जो सीनियर अपलाइन है उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है, और ना खुद परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना पैनिक होंगे उतना ही सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे, अपने लिए परेशानी क्रिएट करेंगे। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शांति बनाए रखिए, सारी चीजें कंपनी फिर से जो है उस आपके सिस्टम में इंप्लीमेंट करने जा रही है, आपके लिए इंप्लीमेंट करने जा रही है, जो विजन मिशन है उसको पूरा करने जा रहे हैं। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि जो भी लोग माइग्रेट होकर के पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आना चाहते हैं, जिनके भी प्रिंसिपल एक भी रुपए नहीं मिले हैं, उसके ऊपर, उनके अकाउंट के ऊपर कंपनी ने एग्जिट का जो रेड बटन है उसके जस्ट साइड में ग्रीन बटन माइग्रेशन का डेवलप कर रही है कंपनी, जो 15 तारीख से माइग्रेशन का सिस्टम चालू हो जाएगा। सबसे पहले आप करिए ऐसा कि अपने टीम मेंबर से गाइडेंस लीजिए, सीनियर लीडर से गाइडेंस लीजिए, और आपका रजिस्ट्रेशन पुराने सिस्टम में जो था वही नए सिस्टम में आप कर लीजिए। उसके बाद में जैसे ही माइग्रेशन चालू होता है, आप अपना माइग्रेशन करेंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपने लिया हुआ है, जो भी सब्सक्राइबर आपने किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है, वो टोटल माइग्रेट होकर के आपके नए सिस्टम पे आ जाएगा। जिनका भी एक भी रुपया नहीं मिला हुआ है, प्रिंसिपल पूरा का पूरा बाकी है, उनके अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी वो ग्रीन बटन आ चुके हैं, सिर्फ उसके फंक्शनिंग 15 तारीख से स्टार्ट की जाएगी और वो माइग्रेट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जिस मेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन पुराने सिस्टम में है, उसी मेल और मोबाइल नंबर से आपको नए सिस्टम में भी रजिस्टर करना है माइग्रेशन के लिए, वही वैलिड होगा, वही मान्य होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जो मेल और मोबाइल नंबर आपने पुराने सिस्टम में यूज किया है वही नए सिस्टम में यूज करना है और वहां पे माइग्रेट होकर के आ जाएंगे। जो लोग भी माइग्रेट नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, कंपनी ने एग्जिट पॉलिसी भी दिया हुआ है। आप सभी लोगों को पता है कि एग्जिट पॉलिसी दिया हुआ है, जिनके भी प्रिंसिपल नहीं मिले हुए हैं वो एग्जिट भी कर सकते हैं। एग्जिट पॉलिसी को जाइए, अपने वेबसाइट पे एग्जिट पॉलिसी को पढ़ लीजिए, अपने सीनियर टीम भी लीडर से गाइडेंस ले लीजिए, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स है उसको फॉलो करते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है, उसको फॉलो करते हुए ही कंपनी अपने पॉलिसी को, अपने बिजनेस मॉडल को आगे लेकर के चल रही है। पहले से ही पता है आप सभी लोगों को कि यहाँ आने जाने दोनों का रास्ता तय किया हुआ है, तो कोई पैनिक और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट पॉलिसी पढ़ने के बाद में ही आप एग्जिट करिए, और सारी चीजों को समझने के बाद में आप एग्जिट कर लीजिए। आपका जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा उसमें से जो भी डिडक्शन जीएसटी वगैरह का होता है वो डिडक्ट होकर के रिफंड कर दिया जाएगा, वो पॉलिसी को आप पढ़ लीजिए और फिर एग्जिट करिए। जो माइग्रेट करना चाहते हैं, टीम लीडर से गाइडेंस लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन उनके साथ में बना लीजिए, और माइग्रेशन वाला जैसे ही चालू हो जाता है आप माइग्रेट करेंगे। पार्ट टू में जिनका भी सब्सक्रिप्शन हुआ है और सब्सक्रिप्शन में से कुछ अमाउंट्स का विड्रॉल हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मेरा सब्सक्रिप्शन एक अकाउंट का हुआ है 12,100 रुपए का, और उसमें से मैं 5,000 या 7,000 या 4,000 जो भी अमाउंट विड्रॉ कर चुका हूं, उनके लिए भी पार्ट टू में, दूसरे वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन, दूसरे नोटिफिकेशन में वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, और उनको भी माइग्रेट होकर के नए सिस्टम पे आने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहली चीज ये करिए आप कि आप सभी लोग अपने पुराने सिस्टम में जो रजिस्ट्रेशन है उसको नए सिस्टम में ले लीजिए, अपने टीम मेंबर्स और अपने सीनियर अपलाइन के गाइडेंस के आधार पर।
और आप अपना प्लेसमेंट करा लीजिए ताकि आपको माइग्रेट करना आसान हो जाए। दूसरा, ना किसी टीम मेंबर्स को परेशान करिए, ना आप खुद परेशान होइए, कहीं पे भी कंपनी गई नहीं है। हमारे बिजनेस मॉडल को लेकर के, हमारे मिशन विजन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है और हम जो भी विजन मिशन लेकर के चल रहे हैं उसे पूरा करना है, हम सभी लोगों को मिलकर के उसे पूरा करना है। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है और सारे सिस्टम को आगे बढ़ाना है, सारे सिस्टम को लेकर के आगे चलना है। जितनी मजबूती से हम चल रहे थे उससे कई दुगने पॉइंट्स पे और ज्यादा मजबूती से हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, प्रोडक्ट्स की परचेजिंग, ये सब चीजें भी फास्ट हुई है, रिसेलर की ज्वाइनिंग, इन सब सारी चीजों के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। आप सभी लोग दूसरे पार्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन, जो भी चीजों का इंप्लीमेंट होगा उसके ऊपर नोटिफिकेशन के लिए आप इंतजार करें, शांति बनाए रखें, अपने वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आएंगे उसी के ऊपर ही विश्वास करें। कहीं बाहर में चल रहे हैं कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल बिलीव ना करें। वेबसाइट कंपनी ने बनाया हुआ है, वहां पे नोटिफिकेशन आती है, उसी को पढ़ें, उसी को आप फॉरवर्ड भी करें, उसी के ऊपर आप अपने टीम को एक्सप्लेन करें। बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही विश्वास करें, बिलीव करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।